नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में फ्लॉप रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने जोरदार वापसी की है। उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली है। सितंबर 2019 के बाद स्मिथ का टेस्ट क्रिकेट में लगाया गया ये पहला शतक है। इस सीरीज से पहले वो अर्धशतक भी नहीं बना पाए थे। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने एक राहत भरी सांस जरूर ली होगी। पहले दो मुकाबले में रन बनाने में नाकाम रहे इस बल्लेबाज ने शानदार शतकीय पारी खेली। मैच के दूसरे दिन 116 गेंदों का सामना करने के बाद अर्धशतक बनाने वाले स्मिथ ने 200वें गेंद पर अपना शतक पूरा किया। स्टीव स्मिथ ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ खेलते हुए अपने टेस्ट करियर का 27वां शतक भी लगाया। मैच के दूसरे दिन मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने इस बड़े मुकाम को हासिल किया। एक छोर से लगातार गिरते विकेटों के बीच स्मिथ ने दूसरा छोर संभाले रखा था और शतक तक पहुंचे। 116 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से अर्धशतक बनाने वाले स्मिथ ने 200वीं गेंद पर 14 चौके लगाते हुए अपना शतक पूरा किया। इससे पहले स्मिथ के बल्ले से साल 2019 के सितंबर में टेस्ट शतक देखने को मिला था। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में उन्होंने 211 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद लगातार दो टेस्ट पारी में वो 80 और 82 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए वो 85 के स्कोर पर आउट हुए थे। आपको बता दें, सबसे कम पारियों में भारत के खिलाफ 8 शतक लगाने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें, 102 ओवर के खेल के बाद स्टीवन स्मिथ 213 गेंदों पर 108 रन बनाकर खेल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट भी गिर चुके थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।